हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग है, उम्मीद करती हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे। मैं सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे दूँ। मेरा नाम रुचि है और मेरा मायका कानपुर में है, और मेरी शादी हरदोई में हो गई है। और ये मेरा बेबी है छोटा सा। और मैं एक छोटे से स्कूल में शिक्षक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे पहले ब्लॉग को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम अपने घर से विद्यालय तक का सफ़र आपको दिखाते हैं। देखिए, इधर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, और यहाँ से पड़ता है एक नदी, जिसको बोलते हैं गर्रा नदी। इसको पार करके जाना होता है। इधर से गाड़ी तो जा नहीं पाती है, ना ही पुल का कोई साधन है। बरसात के मौसम में तो बिल्कुल ही पुल हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं नाव के इंतज़ार में। यहाँ पर एक ही नाव चलती है। हम बैठ गए हैं और ये देखिए एक बाइक चढ़ा रहे हैं। नाव छोटी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि बाइक को बंद करके चढ़ाना। बहुत छोटी नाव है, इसमें एक दो दो से बाइक, ज़्यादा बाइक आ ही नहीं सकती है। ये यहाँ की भाषा है, ये अपनी भाषा में गाँव वाले बात कर रहे हैं। पहले तो मुझे यहाँ की भाषा समझ में नहीं आती थी, पर यहाँ आते आते अब यहाँ की भाषा समझ में आने लगी है थोड़ी थोड़ी। इतना है गहरा उतरिए कोई लोग यहाँ से किया। नाव से उतर चुके हैं और पानी में आ गए हैं। पानी बहुत ज़्यादा है, घुटनों घुटनों तक पानी है। कपड़े पूरे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन प्लाजो पहना हुआ है इसलिए ये नहीं भीग रहा है। अदरवाइज पैंट वगैरह होती है तो पूरी भीग जाती है। और देखिए किस तरीके से गाँव पे आए। इसके बाद देखिए ये फिर 1 किलोमीटर पैदल चलना हो रहा है। इस गांव में मेहंदी आपको बहुत मिलेगी, हर जगह मेहंदी ही लगी हुई है। चौतरफा आपको मेहंदी ही मिलेगी। ये लोग मेहंदी के फूल बेचते हैं और मेहंदी के फूलों का बताते हैं ये लोग इस तरह बनाया जाता है। देखिए किस तरीके से, और ये पैदल जा रहे हैं। ये हमारे जाने रास्ता है। यहाँ पर हमने एक लोगों से पूछा भी कि भाई इधर पानी तो नहीं भरा हुआ है, इधर गलियों से निकलना पड़ता है, 3-4 रास्ते हैं, कई बार तो फिसल भी गए हैं, चोट भी आ जाती है, कांटे भी पड़े हुए मिलते हैं। यहाँ कहीं भी आपको